अगर हम दूसरा शायर, हमें दूसरे शायर सर को भिजवाना ही पड़ेगा सर, दोनों शायर सर साथ में काम करेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM गोरखपुर के चार छात्रों ने त्रिशूल नामक अनोखी डिवाइस तैयार की है। इसकी मदद से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और सुनामी आने की पूर्व सूचना मिल जाएगी। वहीं ये डिवाइस नदियों के बढ़ते जल स्तर की भी पूर्व सूचना देगी। इससे प्रशासन को समय रहते लोगों को बाहर निकालने का मौका मिल जाएगा। ITM गोरखपुर के चार छात्र खुशी त्रिपाठी, अक्षता मिश्रा, जानवी श्रीवास्तव और दर्शन सराफ ने मिलकर त्रिशूल नामक डिवाइस तैयार की है। ये प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व ही प्रशासन को सचेत कर देगी। छात्रों द्वारा बनाए गए त्रिशूल बाय रेस तकनीक पर आधारित है। इस डिवाइस को तैयार करने में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर, रिसीवर, 9 वोल्ट बैटरी, रिले रिसीवर, अलार्म, इंडिकेटर जैसे उपकरणों का प्रयोग किया गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने बताया कि हमारे कॉलेज में स्थापित प्रयोगशाला छात्रों को ऐसे प्रयोगों के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा उन्होंने इस डिवाइस की पूरी जानकारी दी है। बच्चों के मन में प्रेरणा है कि त्रिशूल का प्रयोग करके हम कैसे जनजात जो हमारा मानव जाति है उसका जीवन को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही सावन मास शुरू होता है या ये जैसे ही जुलाई अगस्त की बात का महीना शुरू होता है बहुत ज़्यादा बाढ़ और इस तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं और प्राकृतिक आपदाएँ भी मतलब बाढ़ के रूप में दिखती हैं। तो बच्चों ने सोचा त्रिशूल जो है भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तीनों का प्रतीक माना जाता है और तीनों की शक्तियाँ से समाहित हैं और इसको कहीं ना कहीं तीनों जो हमारे लोक हैं जैसे आकाश है, पाताल है और पृथ्वी है, तीनों की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने इसका जन्म दिया था, इसको इसकी उत्पत्ति करी थी। तो बच्चों ने इसका जो प्रयोग किया है वो इसलिए किया है कि कैसे हम जो प्राकृतिक आपदाएं खास करके बाढ़ और सुनामी उससे कैसे जो हमारा जनजीवन उसको बचा सकते हैं। वहीं ITM के छात्रों ने भी इस डिवाइस की विशेषताएं बताई। देखिए क्या कहती है इस अनोखी डिवाइस की विशेषता। सर त्रिशूल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं। जैसे इसमें ट्रांसमीटर लगा है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है एंड सर यहाँ पे 2 सेंसर आपको दिख रहा होगा। इसको बनाने में टोटल 7-10 डेज लगा है और जैसे पता है बाढ़ आ रही है, बहुत जगह आ रही है, बहुत जगह गाँव के नुकसान हो रहे हैं तो इसलिए हमने बनाया है। और इस महीने में बाढ़ आ रही है, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया था, वहाँ पे कई गांव जो बह गए, जो निस्नाभूत हो गए, जो बह गए एकदम, उनकी कुछ बचा ही नहीं उस गांव में। हमने देखा, हमने सोचा, मतलब कई लोगों की जाने जा रही थी तो हमारे दिमाग, हमने रिसर्च करने के बाद हमने एक ऐसा त्रिशूल बनाया है, वायरलेस त्रिशूल बनाया है जो बाढ़ग्रस्त एरिया में जब बाढ़ आने से पहले ही वहाँ पे वो अलर्ट पहुँचा देगा और उन लोगों को जगह खाली करने के लिए अलर्ट कर देगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।